नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं आप सबकी डॉक्टर नीतू सिंह। उम्मीद है आप लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं और जिंदगी को बहुत आराम से बिताते हैं। ऐसे ही करते हैं ना फ्रेंड्स। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गम, तकलीफ, दुख, दर्द, मुश्किलें आती हैं, आती रहेंगी, क्योंकि लाइफ है और लाइफ में ये सब होता रहेगा। ये हमेशा कहती हूँ ना, मुश्किलों में हमेशा मुस्कुराइए, जितना हो सकता है उतना मुस्कुराइए। अब आप कहेंगे कि मुश्किलों में कैसे मुस्कुराया जा सकता है। बिल्कुल फ्रेंड, लाजमी है कि मुश्किलें आती हैं और मुश्किलों में हम हंस नहीं सकते, मुस्कुरा नहीं सकते। एक मुश्किल ऐसी होती है जहाँ पे हम सच में हंस नहीं सकते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसी मुसीबतें आती है जो कि हमें लगता है कि कुछ वक्त देना चाहिए, बस वक्त के बाद वो ठीक हो जाएगा, तो हमें उस बात को और उस मुश्किलों को वक्त पे छोड़ देना चाहिए। और तत्काल में हमें क्या करना चाहिए, तत्काल में तो मतलब मैं ये कह रही हूँ एटी टाइम में हमें हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए कि चलो कोई वक्त और मुश्किलें ऐसी कठिन आई है तो वो टल जाएगी। और उसको टालना हमें कैसे है, मुस्कुराहट के साथ, मुस्कुरा के। हम जानते हैं कि मुश्किल में मुस्कुराया नहीं जाता है, बट आप अगर मुस्कुराते हैं तब मैं आपको बोलूंगी कि मुस्कुराने के टाइम में, हंसने के टाइम में जो हमारा ये फेशियल मसल्स है वो हमारे ब्रेन को एक मतलब संदेश देता है, वहाँ तक एक बात पहुँचाता है कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक करने के आप कैपेसिटी में हो। तो और वो आप देखो कि जब आप हंसते हो, मुस्कुराते हो या मुस्कुरा के आप किसी भी अपने प्रॉब्लम्स को टाल देते हो, तो आप देखोगे कुछ वक्त के बाद आपको वो ईजी लगेगा और आपको कुछ उसके समाधान नजर आएंगे और आप कहोगे कि अच्छा किया जो उस टाइम में ज्यादा परेशान नहीं हुए। तो कोशिश करिए कि आप जब कभी बहुत बड़ी मुश्किलें में है, जब आपको कोई समाधान नजर नहीं आता है, तो मुस्कुरा के आप टाल दीजिए। जितना हो सकता है दिन में आप मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा मुस्कुराएंगे, जितनी बार मुस्कुराएंगे, उतने बार आपको समाधान मिलेगा और उतनी मुश्किलें आपकी आसान हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, जब आप मुस्कुराते हो तो आपके अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज होता है, और जब ये रिलीज होता है तो ये आपके जो मतलब कैपेसिटी है आपके सोचने की, आपके समाधान के साइड की, और ये आपको रिलैक्स करने की, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो कोशिश करिए कि किसी भी मुसीबत में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जितना हंसेंगे मुस्कुराएंगे तो उतना ही ज़्यादा आप अपने मुश्किलों का समाधान ढूंढ लेंगे। क्योंकि अगर टेंशन में रहेंगे तो टेंशन में रहने से आपका क्या होगा, यही होगा कि एक साइड इफेक्ट्स होंगे, आपके सर में दर्द होगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप बहुत सारी बातों को निगेटिव की तरह आप सोचने लग जाओगे। और जब आप बातों को हल्का कर लोगे, हंसोगे कि देखते हैं क्या होता है, या आप उसको ईजीली लोगे, तो देखो कि बहुत जल्दी आपके काम हंसते मुस्कुराते हुए आसान हो जाते हैं। कोशिश करिए बस दिन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। मुश्किलें आई है वो आई है, जाएगी जरूर, तो मेरी तरह हंसते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।